नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गिरेंद्र गौतम, डायरेक्टर श्रीराम कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फाउंडर सेक्रेटरी फार्मास्यूटिकल एजुकेशन सोसाइटी, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी कोविड-19 चल रहा है और यह समय हमारे लिए बहुत ही कठिन समय है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं किसी प्रोफेशन की बात करूँ तो सबसे महत्वपूर्ण प्रोफेशनों में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और वैज्ञानिक आते हैं। क्योंकि मैं फार्मेसी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं यह आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की दवाइयों का निर्माण हम फार्मासिस्ट ही करते हैं, एवं किसी भी प्रकार के नए मॉलिक्यूल के इन्वेंशन में भी हमारा उतना ही रोल रहता है जितना कि किसी वैज्ञानिक का। तो जब भी निकट भविष्य में कोई भी वैक्सीन कोरोना के लिए आएगी, उसमें हम सभी फार्मासिस्ट भी बधाई के पात्र होंगे। जैसा कि पिछले 6 महीनों में ड्यूरिंग द कोविड-19 फेज हमने देखा है कि डॉक्टर्स, नर्स और फार्मासिस्ट ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, पर सरकार एवं मीडिया ने यहाँ फार्मासिस्ट को वो प्रोत्साहन नहीं दिया है जिसके वे हकदार हैं। इस पर मैं सरकार का इधर ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट में से किसी एक के बिना भी मेडिकल साइंस अधूरा है, एवं साथ ही फार्मेसी प्रोफेसर से जुड़े तमाम लोगों, फार्मासिस्ट, शिक्षकों, छात्रों को बधाई देकर उनका हौसला बढ़ाना चाहूँगा तथा उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वह समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करें, और इसी आशा के साथ मैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री अमित झा एवं श्री बालाजी बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम फार्मा विजन 2K25 है। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश से फार्मेसी फील्ड के जाने माने चेहरे जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों में और अधिक सकारात्मकता एवं नई ऊर्जा का संचार करेंगे। धन्यवाद कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए। शुभकामनाएं।